नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। उसी के चलते आज भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री अमल खटीक बिजनौर पहुँचे, जिनके द्वारा PWD गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मंत्री ने बताया कि आगामी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में पांचवा युवा मोर्चा मैराथन दौड़ का आयोजन कर रही है, जिसमें जनपद के सभी युवा भाग लेंगे। देश के युवा स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हुए आए हैं और स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसी के क्रम में आगामी 12 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा यंग इंडिया रन का आयोजन कर रही है। रॉबिन चौधरी जी हैं। हम लोग 12 जनवरी को युवाओं के मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती के अवसर पर पूरे देश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा यंग इंडिया रन के नाम से एक अभियान, एक कार्यक्रम 12 जनवरी को चलाने जा रहा है, जिसके निमित्त हम लोग हर जिला केंद्र पर पूरे देश भर में, उत्तर प्रदेश में 98 अपने संगठनात्मक जिलों में ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में 200 प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे। बिजनौर जनपद का ये कार्यक्रम स्टेडियम से प्रारंभ होकर 5 किलोमीटर की यात्रा करते हुए रेस के माध्यम से स्टेडियम में ही खत्म होगा। इसमें प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागियों को भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रमाण पत्र देकर और जो प्रथम द्वितीय तृतीय आएंगे उनको सम्मानित करने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा करेगा। मार्गदर्शक हैं हम लोग, हम उनका अपना आदर्श मानते हैं। हम अलग अलग अभियान उनकी जयंती के अवसर पर अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से करते रहते हैं हर वक्त। यात्रा पहली बार हो रही ना? रेस के कार्यक्रम हम लोगों ने पहले भी किए, लेकिन हम जयंती के अवसर पर अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। ऐसा तो नहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से घबराकर बीजेपी भी यात्रा शुरू कर रही हो? भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी तब भी कार्यक्रम करती थी, सत्ता में आने के बाद भी हम लोगों के लिए कार्यक्रम करते हैं, तो हमारा किसी की यात्रा से हमारा कोई लेना देना नहीं। नहीं, आप जो यात्रा निकाल रहे हैं सही संदेश जाएगा ना कि इस समय कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा? भारतीय जनता पार्टी तो यात्राएं निकालती आ रही है, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से लगातार यात्राएं निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम लोग 2014 के बाद से केंद्र में और 17 के बाद से प्रदेश में हैं, लेकिन ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता कि हम लोग जनता के बीच में जाकर कोई कार्यक्रम ना करते हो। अच्छा, प्रदेश के बिजनौर जनपद में ही हो रहा है या पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में ही होगा? पूरे देश भर में कार्यक्रम होने जा रहा है यात्रा का, युवा मोर्चा द्वारा हर जनपद में अलग अलग। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।